हेलो एवरीवन। तो अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेरे लिए यही है कि सर आप सब फोर्थ सेमेस्टर कब स्टार्ट करेंगे, हमको फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब आप समझिए कि मैं रिप्लाई करते करते थक गया, इतने ज़्यादा मैसेज थे। अब बात की जाए ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत लोगों ने थर्ड सेमेस्टर की स्टडी की थी, तो उन लोगों का प्रॉफिट हुआ, कुछ क्वेश्चन उनके फंसे, उनके अच्छे एग्जाम हुए हैं, तो उन लोगों का मानना है कि जल्द से जल्द हम फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा थर्ड सेमेस्टर के काम में फंसा हुआ था, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, लेकिन आप लोगों के कहने पे हम बहुत जल्द अपनी फोर्थ सेमेस्टर की सारी प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे और बहुत जल्द इसके लेक्चर्स भी हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले सभी जितने भी लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, बाकी जिनकी भी सबसे हेल्प हुई हो, उन सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के इतने प्यार की वजह से, इतने सपोर्ट की वजह से हमारे YouTube चैनल आज जहां तक है, बाकी आप लोगों के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब बात की जाए हमारे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर की, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपसे ज़्यादा इस सेमेस्टर को स्टार्ट करने की जल्दी मुझे थी, क्योंकि बात की जाए तो ये सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उन सबसे ज़्यादा कि ये सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बी फार्मेसी में। ऐसा क्यों है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारा ये सेमिस्टर है, ये एक्चुअल में बोला जाता है कि हमारी फार्मेसी की जान है, क्योंकि यही सेमिस्टर है, यहाँ से हमारी असली फार्मेसी स्टार्ट होती है और हमारे असली कुछ कुछ सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो बात की जाए स्टार्ट करने से पहले, तो हमको कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सेमिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सबको डिस्कस करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन बी फार्मेसी का क्या होता है, कैसे होता है। फिर हमारे कुछ सवाल आते हैं, सवाल जैसे आते हैं कि इस सेमिस्टर को पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम तैयारी कैसे करेंगे, उसके बाद इस सेमिस्टर को हम सीरियस लें कि लाइटली लें, थर्ड सेमेस्टर से कितना कठिन है, लेवल अप हुआ है कि डाउन हुआ है, कितने सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं, बाकी कुछ ऐसे ही छोटे मोटे सवाल कि कठिन है कि सरल है। तो चलिए आज हम सारे के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं केयरवेल फार्मा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसमें सब्जेक्ट कितने हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिया, ये हमने अकॉर्डिंग टू PCI लिया है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा आज पता लगने वाला है। तो पहले आप यहाँ पे बात जान लीजिए कि जो हमारा ये पांच सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, ये हमारा पुराना एक सब्जेक्ट था, उसी को एक अपग्रेड करके यहाँ बनाया गया है। बाकी हमारा दूसरा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो हमारा सेकंड था सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, और फार्मास्यूटिकल सेकंड थी हमारी सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पे हमारा थर्ड आ जाता है, ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर में है, सेकंड था हमारा थर्ड में। अब हमारी बात आती है जो हमारे न्यू सब्जेक्ट है, वो हमारे यहाँ पे तीन सब्जेक्ट हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, ये हमारा एक नया सब्जेक्ट आया है, फिर हमारा आया है फार्माकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट, फिर हमारा आया यहाँ पे फार्माकोग्नोजी एंड साइटोकेमिस्ट्री, इसको फार्माकोग्नोजी नाम से सिंपल बोल देते हैं लोग। ये तीन सब्जेक्ट हमारे में नए आए हैं, टोटल हमारे पांच सब्जेक्ट हैं। और इसके प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जो POC सेकंड है, इसका प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, बाकी इन चारों सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। अब हमने अब तक फर्स्ट से लेकर थर्ड सेम तक जो स्टडी की थी, अगर कायदे में देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो, डीपली पढ़ा हो, तो आप समझेंगे कि उसमें बहुत चीजें ऐसी थी जो हमारे 11th और 12th के बेस पे बनी हुई थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, रीमर टीमर रिएक्शन फिनॉल की हो गई, या कॉलवे रिएक्शन, मतलब बहुत ज्यादा कुछ है जो हमारा 11th और 12th का बेस था, उसमें बहुत ज्यादा बेस था, तो आपको इतना ज्यादा कठिन नहीं लगा था। और ये इसी के लिए होता है जिससे हम फार्मेसी में अपने थोड़े से कदम बना लें। अब हमारी जो आती है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर, तो इसकी बात की जाए तो इसमें एक तो हमारा कोई भी इंटरनल सब्जेक्ट नहीं होता, ये आप जान लीजिए, सारे के सारे एक्सटर्नल हैं, मतलब सारे यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद हमारा इसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है, मतलब आप समझेंगे कि हम सिंपल बोलें तो ये हमारा थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर से हार्ड है, लिटिल बिट थोड़ा सा हार्ड है, बाकी तो सब आप ही लोगों के ऊपर है। अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे, सारा समझ के, तो ये कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, अच्छा लगता रहेगा, बस थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा हो जाता है ये हमारे बाकी सेमेस्टर के मुकाबले। अब बात की जाए अकॉर्डिंग टू, सही हो गया। अब इस सेमेस्टर को आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आपको स्कीप नहीं करना बिल्कुल भी, और आपको बहुत अच्छे से जो है स्टडी करना है। मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा बेस है, मैंने आपको बताया बेस है, फार्मेसी की जान है, मतलब यहाँ से हमारा जो शुरुआत होती है असली फार्मेसी की। तो इस सेमेस्टर को आपको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है, और आपको बिल्कुल इसको लाइटली भी नहीं लेना है, मतलब आप पहले की तरह की पढ़ लिया तो पढ़ लिया, इसको आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से स्टडी करना है, सीरियस होकर स्टडी करना है। अब बात की जाए जो हमारे तीन इसमें नए सब्जेक्ट आए, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे तीन नए सब्जेक्ट आए हैं वो हमारे यहां पर मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोजी। तो ये तीनों सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा इसमें जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात की जाए एक्चुअल में है क्या फर्क,
फोर्थ सेमेस्टर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल बताता हूं कि लेट कीजिए आपको ग्रामर आपको क्या करना है, इंग्लिश की वो बनानी है, आपको कुछ भी इंग्लिश सेंटेंस बनाना है कि मैं क्या करता हूं, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या मैं यहां रहता हूं, मैं वो करता हूं। तो आपके कुछ वर्ड जो बर्बल आते हैं, जैसे आपको एज आता है, एम आता है, आर आता है, बाज आता है, बर आता है, अगर आपको ये सेंटेंस नहीं आते हैं तब आप ना तो सेंटेंस समझ पाओगे ना आप उनको बना पाओगे, मतलब आप देखा जाए तो आप इनकम्प्लीट होगे। इसी तरह जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है इसकी जो हमारी फार्माकोग्लोजी, फार्माकोग्नोजी, फार्माकोलॉजी एंड हमारा तीसरा मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट हमारे इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन सब्जेक्ट का बेस क्लियर किया जाएगा, मतलब इसमें हमको पता लगेगा एक्चुअल में कि ये सब्जेक्ट जो हमारे हैं ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। बाकी आगे के जो सेमेस्टर आएंगे हमारे फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स, सेवंथ, एट्थ जो सेमेस्टर आएंगे उसमें इन्हीं को डीपली करके आगे इनको ब्रॉड लेवल में पढ़ाया जाएगा, मतलब इसको और थोड़ा बड़ा बड़ा करके यहां पे आपको इनको समझाया जाएगा कि एक्चुअल में ये मतलब सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि आपके लिए नए हैं और फर्स्ट पहली बार आए हैं तो आपको सब इनको डिटेल्स में बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो यही सब हमारा सिंपल है। बाकी अगर देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग बहुत है सब्जेक्ट, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए होगा जिन्हें मतलब मेडिकल रिलेटेड पढ़ने में मजा आता है, जैसे हमारी दवाइयां कहाँ असर करती हैं, कैसे असर करती हैं बॉडी में, हमने जैसे डिस्प्रिन की गोली खाई तो वो हमारी बॉडी में सिर को दर्द को बंद कैसे करेगी, कौन से एंजाइम मिल रहे हैं, कौन से प्रोटीन मिल रही है, मतलब जितना कुछ है आप सारा कुछ बहुत ज्यादा इसमें मजा आने वाला है। अब चलिए हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज समझ लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है। तो पहला हम देखते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, सेकंड, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको, कुछ डोजेस फॉर्म जैसे हमारे आते हैं ये हमारा पुराना सब्जेक्ट है उसी को थोड़ा अपग्रेड किया गया है। बाकी जो फॉर्मुलेशन हमारी बनती है जैसे डोजेस फॉर्म बनती है उनकी हम रिसर्च करेंगे, किस तरह उनके डेवलपमेंट हो, किस तरह वो बन रहा है, इन सब के बारे में आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। बाकी स्टेबिलिटी आपको पढ़नी है, जैसे आपने कोई सिरप बना दिया या कोई टैबलेट बनाई है वो कितनी स्टेबल है, कहीं वो खराब तो नहीं हो जाएगी, तो ये सब चीजें मतलब वही जो फार्मास्यूटिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं उन्हीं सब के बारे में को यहां पढ़ना है। और बोला जा सकता है कि ये इतना ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है जो हमारी थर्ड सेम थी उसके मुकाबले, यहां पे आपको अगर आपने वहां पे अच्छे से फिजिकल फार्मास्यूटिक की है तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है पीओसी सेकंड, यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, सॉरी यहां थर्ड है, ये कंफ्यूजन बहुत दिन तक रहेगा थर्ड और फोर्थ का, सेकंड थर्ड ये सारा चीज है, तो यहां पीओसी थर्ड है। इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया है क्योंकि यहां पे हमारे आ जाते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, मतलब यहां हम पहले तो हमें नॉलेज मिलेगी यहां स्टीरियोकेमिकल जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे हम, फिर हम यहां पे पढ़ेंगे अपने हेटरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे सारा कुछ, उसके बाद हम यहां पे पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके मेडिसिनल यूज क्या है, किस तरह है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा तीसरा सब्जेक्ट यहां पे है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, तो ये हमारा देखा जाए कायदे में तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहां पे आपको एक और बात बता दूं कि जो पीओसी थर्ड है ये हमारी जिंदगी में यहां लास्ट बार आई है, इसके बाद ये हमारी फार्मेसी में नहीं आएगी, और हमारे में मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये अपनी पकड़ बना लेगी और यही हमारी आगे चलती रहेगी और ये हमारा यहां तक लास्ट है इसका। तो इसमें हम मोस्टली जो हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि अपनी बॉडी में ड्रग का क्या असर होगा, उस ड्रग की केमिस्ट्री क्या है, वो कैसे बना है, सिंथेसिस क्या है, जैसे यहां लिखा केमिस्ट्री सिंथेसिस ऑफ इंपोर्टेंट ड्रग्स, मतलब सारा कुछ हम ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ड्रग कैसे बनता है, क्या होता है। फिर यहाँ ड्रग मेटाबॉलिक पाथवे आपको दिख रहा होगा, मतलब वो अपनी बॉडी में किस तरह असर करेगा, आपको अभी ये सब नया लग रहा होगा लेकिन मैं इन सबको एक एक करके सभी को कवर करूंगा और अब टोटल अपने लोग कवर करेंगे सारा, तो आपको बहुत ही ज्यादा ईजी लगने वाला है फ्रेंड बस। तो हमारा ये केमिस्ट्री ड्रग के बारे में पढ़ना है, तो जो हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इन सब के बारे में। फिर हमारा चौथा जहाँ सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी, तो ये हमारा देखा था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारी जिंदगी में पहली बार है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ड्रग है एक्चुअल में वो लिविंग बींग्स पर कैसे असर करता है, क्या दिखाता है, क्या असर होने वाला है, कैसे, जैसे आपने कोई दवा खाई तो वो किस तरह से हमारी बॉडी में असर करेगी, तो ये आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में। और मैं कहूंगा अगर आपको आगे कुछ भी करना है फार्मेसी में, आप रियल में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और बहुत ही ज्यादा फोकस से आप इस सब्जेक्ट को स्टडी करना, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए क्योंकि ये इन डेप्थ होता है कि दवाई ने कैसे असर किया आपकी बॉडी में जाके, ये सब बातें आ जाती हैं। फिर इसमें हम ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि दवा कैसे असर करे उसका एक्शन जानेंगे, फिजियोकेमिकल इफेक्ट डालेंगे, उसके बायोकेमिकल इफेक्ट डालेंगे, उसके क्लिनिकल यूज जानेंगे, कुछ यूज कैसे होता है, फिर इंटरेक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म कैसे आपस मिलते हैं, बहुत सारी बातें। अब आपको एक चीज ये भी लग रही होगी कि सारे के सारे सब्जेक्ट तो एक ही जैसे लग रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जब आप स्टडी करेंगे सबके बारे में तो आप अच्छे से सबको अच्छे से समझ जाएंगे। फिर हमारा ये लास्ट है फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री। तो इसमें जो हमारा मेन है वो हमारा है क्रूड ड्रग। तो आपको जो है मोस्टली क्रूड ड्रग के बारे में ही स्टडी करनी है। अब क्रूड ड्रग क्या होते हैं, ये सिंपल वो ड्रग होते हैं जो हमारे नेचुरल ड्रग होते हैं, मतलब जिनको हम फॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी फॉर्म है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं, कहीं कहीं आपने देखा होगा तुलसी के पत्ते दवाई में यूज किए जाते हैं, तो अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, कहीं कहीं हल्दी यूज किए जाते हैं। तो जितनी ये ड्रग है हमारे, ये क्रूड ड्रग है, और कहीं कहीं इसको बोलते हैं कि ये आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों के बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सिंपल थे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जो लोग जीपैट की तैयारी करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे एग्जाम में कि जीपैट कब करें। तो अगर आप लोग जीपैट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा ये सेमेस्टर आपके लिए परफेक्ट है, जीपैट की स्टार्ट कर दीजिए यहां से प्रिपरेशन। क्योंकि मोस्टली जो हमारा सिलेबस है या कुछ भी है वो हमारा जीपैट में आता है, वो हमारे इसी सेमेस्टर से लगभग फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है और हमारा सेवन्थ सेमेस्टर तक रहेगा। और बाकी बात की जाए जो हमारा फर्स्ट से लेके और थर्ड तक का सेमेस्टर था, उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया आपका, फिर आपकी एनालिसिस हो गई, फिर आपका यहाँ पे आप देखेंगे और दो चार सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं इनका आपको बेस क्लियर रखना है इसमें। लेकिन जो मोस्टली आपका क्वेश्चन आते हैं, जो आपके आते हैं, वो फोर्थ से सेवन तक आते हैं, क्योंकि इसमें आपकी फार्माकोलॉजी आ जाती है, फिर आपकी फार्माकोग्नोसी आ जाती है, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा, किस तरह पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाना है। ये कोई भी मजाक वाला मतलब सेमेस्टर नहीं है कि आप सोचो फर्स्ट सेकंड की तरह निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसको अगर किसी ने स्कीप हो भी गया हो बाई चांस, जैसे प्रमोट हो गए, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर भी इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्कीप करेंगे तो, लेकिन यह होगा कि अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर को अच्छे से स्टडी नहीं किया तो जो आने वाले सेमेस्टर हैं फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से मैं कहूँगा आप इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टडी कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फोर्थ सेमेस्टर की किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।